नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स वीला। आज फिर से हाजिर हूँ वेस्ट मटेरियल लेकर। तो आज मैं यूज़ करूँगी ये पुरानी परफ्यूम की बॉटल की। ये देखने में बहुत ही सुंदर होती है, तो इसे फेंकने का मन भी नहीं करता। तो आज मैंने दो परफ्यूम की बॉटल ले ली है। अब इसके ऊपर के पोर्सन को हमें निकाल लेना है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेकर बैठी हूँ, तो इसे ऊपर वाले को मुझे धीरे से निकालना है, सावधानी से, ताकि टूट ना जाए। तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन को निकाल लिया है और अच्छे से मैंने बॉटल को साफ़ भी कर लिया है। तो ये डार्क कलर की बॉटल पे मैंने कुछ रफ स्केच कर ली है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैंने इसमें थोड़े से ऐसे फ्लावर, सिंपल से फ्लावर बना लिया है। तो पहले मैं इसमें वाइट एक्रेलिक कलर लगा लूँगी। ये डार्क कलर की बॉटल है, तो मैंने पहले इसमें वाइट कलर इसमें लगा ले रही हूँ। मैंने कुछ फूल और पत्तियाँ बना लिया है, उसे वाइट कलर से कलर भी कर लिया है। तो अब इसे थोड़ी ड्राई कर लेते हैं। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब सेकंड बॉटल को मैंने ले लिया है, अब उसमें मैं लगाऊंगी ब्लैक कलर। तो मैंने इस बॉटल पे कुछ ड्रॉ नहीं किया है, तो बस आप देखते रहिए मैं इसमें क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हो या आइडियाज़ पसंद आते हो, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, मेरी अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होती है और पॉकेट फ्रेंडली भी, तो आप इसे बेझिझक बना ही सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट बॉटल थोड़ी ड्राई हो चुकी है, तो उसमें मैंने फ्लावर के साइड में और लीव्स के साइड में मैं 3D आउटलाइनर से आउटलाइन कर लूँगी। तो ये मैंने गोल्डन 3D आउटलाइनर ले लिया है, तो उससे मैं बस एजेस पे इस तरह से आउटलाइन कर ले रही हूँ। तो ये 3D आउटलाइनर से मैं पूरे में आउटलाइन कर लूँगी। तो ये अब कम्प्लीट भी हो चुकी है, तो इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब मैं ये वाली बॉटल, सेकंड वाली बॉटल को ले लेना है। तो अब मैं ले ली हूँ वाइट कलर, रेड कलर और गोल्डन कलर। तो अब मैं इसमें से कुछ फ्लावर्स बना लूँगी, चेरी ब्लॉसम्स। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसे बनाने में बहुत इजी है। तो इस तरह से हमें कुछ फ्लावर्स बना लेना है। तो ये परफ्यूम की बॉटल बहुत ही अलग अलग शेप में आती है और ये बहुत खूबसूरत भी होती है। तो इसे ना फेंक कर इस तरह से कुछ पेंटिंग बनकर आप अपने घर पर होम डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चेरी ब्लॉसम्स फ्लावर अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसे मैं कुछ कुछ जगह पे ये फ्लावर्स बना लूँगी इस तरह से। तो ये फ्लावर्स मैंने पूरे में बना लिया है। अब नीचे में मैं थोड़ा सा कलर को मिक्स कर लिया है, उसे लगा लेना है। तो इस तरह से, और मैं थोड़ा सा वाइट कलर भी इस तरह से लगा लूँगी, ताकि लगे कि नीचे फूल बिखरे पड़े हैं। तो देखिए बॉटल की लुक ही चेंज हो गई है। तो ये मैंने पेड़ तो बना लिया है, पेड़ हो और पंछी ना हो, तो मैंने दो बर्ड्स भी बना लेने हैं इस तरह से। पेड़ पर पंछी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने पहले वाइट कलर से मैंने दो बर्ड्स इस तरह से बना लिया है। तो पहले मैंने वाइट कलर से कर लिया है। वाइट कलर ड्राई होने पर मैं इसमें बर्ड्स को थोड़ा कलरफुल बनाऊंगी, तो मैंने येलो कलर ले लिया है। फ्रेंड्स, आप घर में परफ्यूम बॉटल्स का क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं? तो मुझे कमेंट पर शेयर जरूर कीजिए। मैंने बॉटल के दूसरे साइड में भी दो बर्ड्स बना लिए हैं, उसे मैंने ब्लू कलर कर लिया है। तो ये बर्ड्स काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब बर्ड्स की थोड़ी डिटेलिंग भी कर लेते हैं। तो ये बीक, आंखें, ये बना लेना है हमें। तो इसे ड्राई कर लेते हैं। देखिए ये एक खूबसूरत सा बॉटल आर्ट बनकर तैयार है। अब मैंने ले लिया है ये ग्लास कलर। तो फर्स्ट वाली बॉटल की भी कलर ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लास कलर। तो पहले मैं लीव्स को कलर कर लूँगी। तो निचले साइड में मैं दे दूँगी ग्रीन कलर। फ्रेंड्स, आप अगर आर्ट एंड क्राफ्ट लवर हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैं सभी वीडियोज़ में अलग अलग आइडियाज़ लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने लीफ के ऊपर में डाल लिया है ये येलो कलर।
दोनों कलर को मैं टूथपिक से इस तरह से मिक्स कर लेना है, एक दूसरे से मर्ज कर लेना है। तो ये डार्क कलर की बॉटल है तो इसीलिए मैंने पहले वाइट कलर कर लिया था, उसके बाद मैंने ग्लास कलर यूज़ किया है। पहले अगर मैं ग्लास कलर यूज़ करती तो वो इतना खिलकर नहीं आती। अब फ्लावर्स के लिए मैंने पहले डाल लिया है ब्राउन कलर, अब ब्राउन कलर के साथ ही डाल दूंगी थोड़ी सी येलो कलर, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। अब साइड्स में मैं डालूंगी रेड कलर, तो साइड्स में मैंने फिर से टूथपिक्स का यूज़ किया है और इस तरह से कलर को पूरे में फैला दिया है। अब ये कलर ड्राई होने पर फिर से मैं 3D आउटलाइनर से पूरे में आउटलाइन कर लूँगी। तो मैंने फिर से 3D गोल्डन आउटलाइनर का यूज़ किया है और इस तरह से मुझे आउटलाइन कर लेना है। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी बॉटल आर्ट ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इट्स माय रिक्वेस्ट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।